नमस्कार, इंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सब लोग राधे कृष्ण का साक्षात दर्शन किए थे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग रूम पर पहुँच गए हैं। गुजरात अहमदाबाद में घूम रहे हैं, आप सबको पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ देखिए बैगन फ्राई हो गया है, गोल गोल ऐसे कटिंग करके बैगन फ्राई हो गया है। उसके बाद इसमें मसाला लगाएंगे, ये कद्दूकस किया हुआ है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन है, उसमें थोड़ा सूखा मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बढ़िया फ्राई हो जाएगा। उसमें इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर दिया, देख सकते हैं। उसके बाद इसको बैगन को डाल के इसमें लपेट देंगे, लपेट देंगे मतलब उलट पुलट के थोड़ा सा इसको पका लेंगे इसके साथ, ताकि जो है ना इसमें बैगन में मसाला वगैरह लिपट जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इस तरीके से आप ही बना सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं गोभी का भुजिया बोलते हैं इसको, जो फ्राई किया जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर टूर करा रहे हैं आपको, होम टूर। यहाँ गुजरात में अहमदाबाद का ये रेंट का ही है फ्लैट, लेकिन इसमें मैं दिखा रही हूँ कि कैसे क्या सेटिंग किया हुआ है। ये देखिए, ये हॉल है। सबसे पहले आप बाहर आपको नंबर लिखा हुआ दिख गया होगा, तो ये हॉल में ऐसे सेटिंग किया हुआ है। इधर सोफा लगा हुआ है और इधर ही साथ में बालकनी भी है, और इधर टीवी वगैरह ये देख सकते हैं। और बालकनी दिखाते हैं आपको बाहर निकल के, ये देख सकते हैं। ये देखिए तो टू रूम सेट ये फ्लैट है। इधर कपड़ा वगैरह लगा हुआ है, मतलब लटका हुआ है, अभी डाला हुआ है। और ये है, देख लीजिए, इसको बंद कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये टीवी देख रहे हैं सुधीर जी। और यहाँ पे इस तरफ दिखा रहे हैं आपको, ये डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ किचन में ले आते हैं, और डाइनिंग स्पेस भी बीच में दिया हुआ है जहाँ पे टेबल लगा हुआ है, तो बहुत बढ़िया आया। और किचन देख लिया आप। और उसके बाद यहाँ ये बेडरूम है, ये एक बेडरूम, इधर अलमीरा वगैरह सेट किया हुआ है, देख सकते हैं। ये सब चीज़ फुल फिनिश है फ्लैट, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा सुविधाजनक सब है, सब अच्छा है। तो ये मैं यहाँ पे होम टूर आप सबको थोड़ा सा करा दी हूँ। और ये है दूसरा वाला रूम, ये बाबू इधर बैठा हुआ है, वीडियो बना रही थी, लेटा हुआ था, बैठ गया था। तो गर्मी अच्छी हो रही है यहाँ पे, अभी बारिश भी हो रही है बीच बीच में, और गर्मी भी हो रही है। और यहाँ इसी में अटैच एक बाथरूम है, ये देख सकते हैं, रूम से अटैच है एक, और एक बाहर से मतलब बीच में दिया हुआ है ये वाला, ये देख सकते हैं। तो ये है एक बाथरूम, और उसके बाद इसी में साइड में यहाँ पे ये स्टोर रूम थोड़ा सा दिखाई मैं, जो स्टोर रूम था। तो यही है, अब बस यहाँ पे हम लोगों की तैयारी हो गई है और हम लोग अब निकलने वाले हैं यहाँ से। तो लास्ट में चलते चलते आपको सबको होम टूर भी करा दी। और यहाँ देखिए, ये सुबह 5 बजे का टाइम है जब हम लोग निकल रहे हैं, 5:30-6 बजे ऐसे कुछ ट्रेन है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो में शेयर कर रहे हैं, और कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अभी काफ़ी लंबा टूर है, और भी काफ़ी कुछ मतलब कि देखना है और आप सबको भी दिखाना है, तो बने रहिएगा। और यहाँ देखिए आ गई है टैक्सी, ओला टैक्सी, तो हम लोग यहाँ पे इसमें चले जाते हैं। अभी अंधेरा ही है, पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ, लाइट वगैरह जल रहा है, आपको दिख रहा होगा रात की तरफ, लेकिन ये सुबह हो चुका है। तो यहाँ देखिए ये हो गया है, आशीर्वाद वगैरह ले ली है, छोटी बहन की तरह है, आशीर्वाद भी ले ली। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाई हो गया है, बस बैठ लिए और यहाँ से निकलेंगे। तो देखिए बहुत दूरी पर नहीं है, 15 मिनट का रास्ता है रेलवे स्टेशन, और ये जो एयरपोर्ट है वो भी ज़्यादा दूरी नहीं, आधा घंटा वो भी है। तो बस अच्छा लोकेशन पे था रहने का, तो फिर देखते हैं कब आना होता है हम लोगों का। तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं स्टेशन, देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, काफ़ी चहल पहल है, बहुत लोग सो भी रहे हैं क्योंकि एकदम सुबह सुबह का टाइम है, तो नीचे ही काफ़ी लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, देख सकते हैं सब वेटिंग वगैरह के लिए। तो और हम लोगों की ट्रेन बस आने ही वाली है, एकदम टाइम पे हम लोग यहाँ पहुँच गए। और यहाँ देखिए चेक इन करके बाहर निकाल लिए हैं सामान को, बस अब ट्रेन जो है आ जाएगी, उसके बाद आपको दिखाएँगे कहाँ ले चलेंगे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो ये सब आप सब लोग बने रहिए, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया मतलब कि दर्शन होने वाला है आप सबको भी। और ये देख लीजिए, ये आ गई है ट्रेन हमारी, तो अब हम लोग इसमें निकल जाएंगे बहुत जल्दी, मतलब कि हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है जहाँ के लिए हम लोग निकल रहे हैं, 6-7 घंटे का रास्ता है, 6-7 घंटे का। तो अभी सुबह सुबह हम लोग निकले हैं, दोपहर तक वहाँ पर जो है पहुँच जाएँगे। तो दोपहर तक पहुँच के फिर हम आगे दिखाएँगे आप सबको, यहाँ बने रही है जर्नी साथ में मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये ट्रेन में जो है हम लोग चढ़ रहे हैं, और चढ़ने के बाद कुछ नाश्ता वगैरह मिल गया था रास्ते में खाने के लिए, लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम था, रात को भी हम लोग देर से ही सोए थे, तो सुबह सुबह जो है इतनी तो भूख वगैरह लगी नहीं रहती है, और नींद ज़्यादा आती रहती है सुबह के टाइम। तो बस हम लोग ट्रेन में यहाँ बैठ गए हैं, और अच्छे से बिस्तर वगैरह लगा के बस सो ही गए हैं,
और उसके बाद यहाँ देखिए रास्ते में स्टेशन वगैरह कुछ आ रहा है। सुबह हो गया है, ये मतलब अच्छे से उजाला हो गया है, दिन हो गया है, 10:30 बज रहा है। तब मैं यहाँ पे ये वीडियो वगैरह बना रही हूँ, पहले तो सो ही गए थे, उसके बाद ये रास्ते का आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। यहाँ पे रिलैक्स होके सो के अच्छे से नींद ले लिए हैं उसके बाद का। तो ये बाहर आपको देखने से पता लग जाएगा कि किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये देखिए बीच में दिखा होगा जामनगर था, रेलवे स्टेशन दिख रहा था जामनगर, और उसके बाद यहाँ पे बाहर खाली जगह दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ये देखिए समुद्र एरिया देख सकते हैं। तो हम लोग समुद्र की तरफ चल दिए हैं, समुद्र मतलब कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं समुद्र की तरफ, ये आप सबको आगे दिखेगा। और ये देखिए सारा समुद्र दिखना शुरू हो गया है ना, तो बस समुद्र दिख रहा है मतलब कि हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो समुद्र के बिल्कुल निकट में जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही नज़दीक में। और यहाँ पे ट्रेन में से उतर गए, मतलब देख सकते हैं ये ट्रेन से उतर रहे हैं। उतरने के बाद आपको बाहर दिख जाएगा कि कौन सा स्टेशन है ये। तो ये देखिए कहाँ पे हम लोग उतर गए हैं, सो ये बाहर आपको दिखेगा। और अंदर एसी था, देख लीजिए पीछे द्वारिका लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं द्वारिका, तो जो है ना द्वारिकाधीश, द्वारिका नगरी हम लोग पहुँच गए हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का नगरी है, ये द्वारिकाधीश का नगरी है जहाँ पे हम लोग पहुँच गए। हम लोगों का बुलावा आ गया था तो बस हम लोग पहुँच ही गए। ये सब धाम है जहाँ पे जब तक बुलावा नहीं आए तब तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो बस बुलावा आ गया था हम लोगों का, मतलब कि टाइम हो गया था दर्शन करने का, तो हम लोग पहुँच गए। और ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं भीड़ भाड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा अच्छा रेलवे स्टेशन है। और बिल्कुल स्टेशन से ही आप सामने दर्शन कर पाएंगे द्वारिकाधीश का। तो जब हम लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे कि स्टेशन से कैसे दिख रहा है, अभी हमें मालूम नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ से दिखता है, बाद में जब लौट के आए तब पता चला है। ये बाहर का देख सकते हैं और पास में ही है, रेलवे स्टेशन से भी बहुत दूर नहीं है। और यहाँ देखिए ले लिए हैं ऑटो, ऑटो आ गया था, उसके बाद हम इसमें जा रहे हैं घर। ये देख सकते हैं घर मतलब जहाँ हम लोग रुकने वाले हैं वहाँ जा रहे हैं। तो ये रास्ते का थोड़ा सा व्यू आप सबके साथ शेयर किए हैं। रास्ते में भी एक मंदिर है और ये मंदिर वगैरह देख सकते हैं आप। और उसके बाद मतलब जिधर से मंदिर है उस तरफ से नहीं, दूसरे साइड से। और ये द्वारिकाधीश का मंदिर का गेट दिखा था आपको, जो दूसरे साइड का गेट है, हम जा रहे हैं दूसरे साइड गेट पर। तो अभी अंदर जा कर के रेस्ट करके, मतलब शाम हो गया है, आराम से खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट किए, उसके बाद शाम के टाइम यहाँ पे आ गए हैं तैयार होके। अब यहाँ पे जा रहे हैं, देख सकते हैं द्वारिका नगरी पावन भूमि, आप यहाँ पे पधार गए हैं मतलब हम लोग आ गए हैं, साथ में आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये दूसरे साइड का गेट है जिससे हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो बिल्कुल जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे ना उससे 200-300 मीटर की दूरी पर है, बस पैदल ही जा सकते हैं, गली गली है। मतलब कि पीछे का एक और गेट है जो, और दूसरे साइड से एक बड़ा गेट है, और इसके पीछे के साइड जो मंदिर है ना उसके एकदम पीछे में है, उसको स्वर्ग द्वार बोला जाता है, जो मतलब पीछे से एकदम समुद्र से घिरा हुआ है। उधर श्याम मतलब कि सुदामा सेतु भी है, सब कुछ है जो बाद में हम दर्शन कराएंगे। आज सिर्फ द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं अंदर। आए हम पीछे मंदिर आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग आ गए हैं। और ये पीछे जो बता रहे थे, अंगड़ी से इशारा कर रहे थे, वो है इनके दोस्त कन्हैया जी, जो सारा कुछ इंतजाम किए थे, आगे भी दिखेंगे मैं बताऊंगी। और ये देखिए मंदिर बाहर से, तो बाहर का व्यू ये मंदिर का आप देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बना ले रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर अभी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रखी है, क्योंकि जब आरती का टाइम होता है तब ज़्यादा भीड़ होता है। तो आरती का टाइम होने वाला है थोड़ी देर के बाद, तो अब लोग आना शुरू हुए हैं। तो तब तक यहाँ पे मैं तो पूछ करके, पुलिस वगैरह भी इंजाम रहता है यहाँ पे, तो पूछ के कि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे बाहर से थोड़ा सा बना लिए हैं बस। और यहाँ तक भी कैमरा नहीं लाने दिया जाता है, बिल्कुल एक और गेट है उसके बाहर ही आप कैमरा वगैरह अलाउ है, वहीं से ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए घूम करके थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा घूम गया है कैमरा, और ये देख सकते हैं ये बन गया है वीडियो। थोड़ा ऊपर की तरफ पताका लहराते हुए दिख रहा है, जो ध्वजा जो लहरा रहा है ना, ये द्वारिकाधीश का नगरी है जहाँ पे बहुत दिनों तक राज किए थे द्वारिकाधीश की। तो ये राजगद्दी है उनका जहाँ पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये राजगद्दी में वो बहुत दिनों तक राज किए थे। अंदर बहुत सारा मंदिर बना हुआ है इनका, तो कि बहुत सारे उनके परिवार के जो जो थे, उनके बेटे और ये सबका सबका मंदिर है अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे शिव जी का भी है दर्शन करने के लिए, तो अभी की जगह शिवलिंग स्थापित है अंदर घुसते ही। और ये है कन्हैया जी, जो बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया जी। और ये देखिए यहाँ पे इनके दोस्त हैं ये, और हर जगह का इंतजाम कर दिए थे, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पे
देख सकते हैं हम लोग निकल लिए हैं। अब दर्शन हो गया है एक बार और हम लोग कई दिनों तक यहाँ रुकने वाले हैं, तो और काफ़ी कुछ दर्शन करेंगे और सुबह शाम की आरती में शामिल होंगे। आरती में शामिल होने का अलग ही मतलब कि अनुभव होगा आपको, तो वो ज़रूर होइएगा। आरती के टाइम कहीं से भी बाहर से भी आते हैं ना, तो आप एक दिन यहाँ पर रुकने का ज़रूर रखिएगा इंतजाम। और तीन बार आरती होता है, तीन बार में से एक बार भी आप आरती ज़रूर पकड़ लीजिएगा और दर्शन कीजिएगा। आरती के टाइम अलग ही लगेगा ना कि आपके शरीर में कुछ जो है ना प्रवेश हो रहा है, इतना अच्छा अनुभूति होता है, बहुत ही सुंदर लगता है और अलग ही दुनिया में रमने जैसा होता है, जैसे लगेगा कि आप रम गए हैं उसमें जा करके। और इतना अच्छा वो ये ध्वजा वगैरह भी जो ऊपर चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, दो बार तीन बार होता है वो ध्वजा, मतलब उनका जो झंडा जो फहरा रहा है ऊपर शो वाला, उतारने चढ़ाने का, भोग लगाने का, ये सब इतना धूमधाम से किया जाता है। खूब सारे लोग जो है ना भजन कीर्तन गाते हुए गोल गोल घूमते हुए उनका मंदिर का चक्र चक्कर लगा के और फिर वो चढ़ाया जाता है ध्वजा या भोग लगाया जाता है। तो ये सब देखने में मतलब कि बहुत ही अलग अनुभूति होती है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सब लोग ज़रूर ये सब इंजॉय करके आइएगा जब भी जाते हैं यहाँ द्वारिका नगरी, द्वारिकाधीश की नगरी। तो अब द्वारिका जाने के बाद बहुत कुछ है दर्शन करने के लिए, तो आगे बने रहिएगा, आगे बहुत कुछ दर्शन कराएंगे। और ये द्वारिकाधीश नगरी केवल द्वारिकाधीश के नाम से नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पे जो एक साथ है, मतलब कि ये यहाँ पे जो भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पे है कि तीन चार चीज़ यहाँ पे एक ही जगह पे है, तो वो सब आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेगा। तो बने रहिएगा। और यहाँ हम लोग मार्केट में निकल लिए हैं, देख सकते हैं ये मार्केट का थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो है ना मतलब बेचने के लिए लगा हुआ है, मेला जैसा ही है, सब लोग यहाँ पे मार्केट ही है सब लोगों का, एक छोटा सा मार्केट। और पूरा द्वारिका में यही इतना ही दूर है, इनके पीछे के साइड पूरा जो समुंदर ही है, ज़्यादातर एरिया तो समुंदर से ही घिरा हुआ है, बहुत बड़ा जो है ना बसा हुआ एरिया द्वारिका में नहीं है, छोटा ही है। तो ये मार्केट विशेष मार्केट है यहाँ पे, जो थोड़ी दूर में ही है, चार पाँच किलोमीटर के अंदर में ही पूरा मार्केट है, जिस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलता है सुने, सब कुछ मिलता है और बढ़िया है सब कुछ, बहुत ही अच्छा लगता है, अलग ही रौनक है, अलग ही खूबसूरती है। बस थोड़ी सी अभी गर्मी हो रही थी, अब बारिश जल्दी स्टार्ट होने वाली है, बारिश स्टार्ट होगी उसके बाद अलग ही उसका रौनक है घूमने का और देखने का दर्शन करने का। तो हम लोग अभी बस दर्शन कर लिए हैं और थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पे कुछ लेना है सामान, जैसे कुछ फल वगैरह फ्रूट और कुछ मिठाई वगैरह लेंगे और उसके बाद कुछ और लेना है, तो दिखाते हैं आपको कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए ये मिठाई वगैरह और प्रसाद वगैरह चढ़ाने का जो था तो वहीं पे गेट पे ही मिल रहा था, जो कि कैमरा जमा होने के बाद वो चढ़ाने के लिए हम लोग लिए उधर से और अंदर जा कर के चढ़ा करके और उधर ही आ गए थे, तो उसका वीडियो नहीं बन पाया था, ये बाद में हम लोग लिए अपने लिए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कपड़ा वाले के यहाँ आ गए हैं, तो इसमें कुछ टी शर्ट वगैरह लेना है, ये देख सकते हैं ये एक दो टी शर्ट, क्योंकि इतनी गर्मी सोचे नहीं थे हम लोग, जितनी गर्मी हो रखी है तो बहुत गर्मी है, तो फिर इसलिए यहाँ पे एक दो ले लेते हैं टी शर्ट वगैरह। उसके बाद आगे घूमने का और भी क्या दर्शन करने का है वो सब आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, आप सबको जल्द ही मिलेगा और खूब अच्छा दर्शन होने वाला है। और यहाँ देखिए हम लोग रूम पे पहुँच गए हैं और पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा ध्वजा लहराते हुए, तो ये द्वारिकाधीश का जो है ना मंदिर है जो दिख रहा है। तो हम लोग इतना ही पास में थे, यहीं से दर्शन भी होता था और सुबह शाम की आरती किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ।